बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम मैथ्स ग्रेड सिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कर रहे हैं। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज सिक्स ये करनी है, इसको हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आइए रिव्यू एक्सरसाइज सिक्स को स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज को करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आइए रिव्यू एक्सरसाइज सिक्स स्टार्ट करते हैं। हाँ स्टूडेंट, यानी रिव्यू एक्सरसाइज सिक्स, सिक्स का क्वेश्चन नंबर वन है, ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो इज फॉलोड बाई फोर सजेस्टेड ऑप्शंस, इन ईच केस चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें इन्होंने क्या कि क्वेश्चन नंबर वन में आपको ये फोर ऑप्शन जो है दिए, इनमें से आपने जो है करेक्ट ऑप्शन जो है उसको आपने चूज करना है। तो आए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन का, क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट वन है, 28+6 इस, इसमें हम सी पे टिक करेंगे। ये एक जो 28+6 क्या है, एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, आपने सी पे टिक करना है। अब सेकंड पार्ट है P+2Q इस, इसके हम बी पे टिक करेंगे कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है इन अलजेब्रा अ वैल्यू दैट कैन बी चेंज्ड इस कॉल्ड, कि अलजेब्रा जिसमें वैल्यू को चेंज किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल। इस पे बी पे हम टिक करेंगे। अब फोर पार्ट है इन अलजेब्रा अ फिक्स्ड वैल्यू दैट कैन नेवर बी चेंज्ड इस कॉल्ड, कि अलजेब्रा जिसमें वैल्यू फिक्स होती है उसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, तो उसको क्या, उसको ए पे हम टिक करेंगे, उसको कॉन्स्टेंट कहते हैं, ठीक है। अब फाइव पार्ट है इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी कैन ऐड और सब्जेक्ट ओनली, ए पे टिक करेंगे, लाइक टर्म्स, यानी कि वो टर्म्स जो एक जैसी होती हैं, सेम होती हैं, उनको हम ऐड और सब्जेक्ट कर सकते हैं। और सिक्स पार्ट है इसके बाद द ओनली ऑपरेशन दैट कनेक्ट द अलजेब्रिक टर्म्स आर, कि वो ऑपरेशन जो कि अलजेब्रिक एटम के साथ, टर्म्स के साथ, सॉरी टर्म्स के साथ कनेक्ट होता है, वो कौन सा है ऑपरेशन, ए पे टिक करेंगे, प्लस और माइनस का, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेवन पार्ट, टू सिंप्लीफाई द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो यूज़, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बी पे टिक करेंगे, बोर्ड मैथ्स रूल जो है वो हम यूज़ करते हैं, बोर्ड मैथ्स का रूल, ठीक है, इस पे बी पे हम टिक करेंगे। अब नेक्स्ट एट पार्ट है इन एक्सप्रेशन 4x+5 में फोर इज, यानी कि 4x+5 में जो ये फोर जो है ये क्या चीज़ है, तो ये हम डी पे जो है वो टिक करेंगे, ये कोफिशिएंट है, ठीक है, ये वेरिएबल के साथ जो लिखा होता है, जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है, तो इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है, डी भी हम टिक करेंगे। अब नाइन पार्ट है ईच नंबर इन द पैटर्न इज कॉल्ड, इनके पैटर्न में जो है वहाँ नंबर को क्या कहते हैं, ए पे टिक करेंगे, टर्न। अब द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस 1, 1, 2, 3, 5, 8, इसमें नेक्स्ट टर्म क्या, सी पे हम टिक करेंगे, 13। ये इसमें रूल ये वाला है कि इसमें जो प्रीवियस टू टर्म्स होती है ना, उनको हम ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म जो है हासिल होती है। ये 1 और 1 को ऐड करें तो 2, और 2 और 1 को ऐड किया 3, इस तरह ये प्रीवियस टू हम लें तो 3 और 2, इसको ऐड करें तो 5, अब 2 प्रीवियस लिए नेक्स्ट टर्म के लिए तो 5 और 3 को ऐड करें तो 8, अब नेक्स्ट टर्म का हमने फाइंड करना है तो 8 और 5 को हम ऐड करें तो ये आ गया 13, ठीक है। इस तरह हम जो है वो सी पे जो है वो टिक करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग इन अ शॉर्ट वे, यानी कि ये जो आपको दी हुई
पार्ट्स वन में वेरिएबल, टू में कॉन्स्टेंट, थर्ड में कोफिशिएंट और फोर में पैटर्न, इनकी आपने डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, तो वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? ये चाहते हैं कि पेज 82 पे देखते हैं जाए। हाँ जी, ये देखिए वेरिएबल की डेफिनेशन आपने क्या लिखनी है। अ वेरिएबल इज अ सिंबल और लेटर ऑफ अल्फाबेट दैट रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी द वैल्यू ऑफ विच इज नॉट नोन। ठीक है, ये आपने वेरिएबल की डेफिनेशन में ये लिखनी। इसके बाद जो है वो सेकंड पार्ट है, उसमें कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है उन्होंने। कांस्टेंट में आपने डेफिनेशन में लिखना है, अ कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी हूज वैल्यू रिमेंस अनचेंज्ड। ठीक है, ये कांस्टेंट की डेफिनेशन में आपने लिखनी। नेक्स्ट में डेफिनेशन में है कोफिशिएंट की थर्ड पार्ट। हाँ जी, ये थर्ड पार्ट में कोफिशिएंट, कोफिशिएंट की डेफिनेशन में आप लिखोगे। द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ एनी वेरिएबल इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज कोफिशिएंट। ठीक है, ये आपने कोफिशिएंट में आपने इसकी डेफिनेशन लिखी। तो नेक्स्ट फोर पार्ट में है पैटर्न। पैटर्न की डेफिनेशन जो है ये 80 पेज पे पैटर्न की डेफिनेशन ये दीजिए आप। अब पैटर्न इज सम फिनोमिनन दैट रिपीट्स रेगुलरली बेस्ड ऑन अ सेट रूल और कंडीशन। ठीक है, यहाँ तक आपने इसकी लिखनी है डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ से लेके आप पैटर्न से लेके कंडीशन तक। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर टू भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर बी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री के फाइंड द सम ऑफ इनको, इसमें टू पार्ट्स थी, इनके आपने सम जो है वो फाइंड करनी, यानी कि इनको हमने ऐड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, इसका वन पार्ट है 2x + 3y - 4z एंड 5x + 16x - 9y। इनको हम सम इन्हों क्या फाइंड करेंगे, तो सम का मतलब होता है ऐड करना ही, तो इनको हम ऐड करेंगे। इनको पहले 2x + 3y - 4z इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, इनको राउंड ब्रैकेट्स कहते हैं, और एंड का मतलब प्लस, और 5x + 16x - 9y इनको भी एक राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हम इनके राउंड ब्रैकेट जो है इनको हम रिमूव कर देंगे, और ये साइन जो चेंज करेंगे, प्लस में साइन से चेंज नहीं होता, अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता है तो भी ये अंदर वाले सारे साइन जो है चेंज हो जाते हैं। इसे इनको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, तो 2x + 3y - 4z + 5x + 16x - 9y इस तरह हमारी राउंड ब्रैकेट जो है वो ख़त्म होगी, इसको हमने रिमूव कर दिए। अब हमें जो वेरिएबल सेम है वो हम लिखेंगे, जैसे 2x इसके साथ 5x और 6 + 16x ये लिखेंगे आप, +3y - 9y सेम ये लिखेंगे, इसका वेरिएबल जो सेम, उसका -4z का इधर कोई भी नहीं आउट। ठीक है, ये इसको ऐसे लिख लेंगे -4z। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अब 2, 5 और 16 इनको हम ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास आएगा 23x। और y के अब देखें ±, तो साइन जो है वो बड़ी वैल्यू के लगेगा माइनस का, और 9 से 3 माइनस करेंगे तो ये आ गया 6y - 4z। ठीक है, इस तरह हमारा ये आंसर आ गया 23x - 6y - 4z। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर थ्री का हमारा पार्ट वन जो है वो सॉल्व हो गया। हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, 13x + 2yz - 5x - 2xz + 4xy + 3z। ठीक है, अब हम इनको जो है वो
इनको ऐड इनकी सम फाइंड करनी है, तो इसको हम कॉमा की जगह पे भी ऐड लिखेंगे और एंड की जगह पे भी ऐड जो है वो लिखेंगे। इनको हम राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे अलग अलग करके, 13x + 2y, इसको एक राउंड ब्रैकेट में, और उसके बाद कॉमा की जगह पे ऐड एडिशन, क्योंकि हमने ऐड का साइन डालेंगे क्योंकि हमने सम फाइंड करनी, तो ऐड का डालेंगे। अब इसको भी एक राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे, 5x - 2x, और फिर एंड जो इसके हम प्लस लिखेंगे क्योंकि हमने सम फाइंड करनी, तो अब इसको भी एक राउंड ब्रैकेट में लिख लेंगे, 4x + 3z। अब हमने क्या करना है, हमने ये राउंड ब्रैकेट्स इनको जो है वो ख़त्म करना है, तो हम इनका साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है, प्लस के साइन जो है चेंज नहीं होती, इसलिए हम इनको ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, 13x + 2y + 5y+-2xz + 4xy + 3z। ठीक है, इस तरह हमारे जो है वो राउंड ब्रैकेट से जो है वो ख़त्म होगी। अब इनके जो वेरिएबल सेम है उनको हम एक साथ लिख लेंगे। अब 13xy + 5xy और फिर +4xy, ठीक है, ये तीनों एक साथ लिख लेंगे। फिर +2yz में हल में और नहीं है इसका, इसके लिए इसको ऐसे लिख लेंगे, इसके साथ और कोई नहीं है इससे 2yz के साथ वाला। अब हमने क्या लिखना है, -2xz, इसके साथ हमें ये देखें +3zx, हम इसके साथ ये लिखेंगे, ये सेम वेरिएबल है। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अब ये तीनों जो है वो ऐड के, इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 13, 5 और 4xy को हम ऐड करें तो हमारे पास आएगा 22xy +2yz और प्लस ये देखिए माइनस, प्लस माइनस होएगा और साइन बड़ी वैल्यू का ही आएगा, तो 3 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 1 आएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, हमें जी एक्स लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह हमारे पास सेकंड बार का आंसर है 22xy + 2yz + zx। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सब्ट्रैक्ट द सेकंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट, यानी कि सेकंड एक्सप्रेशन में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 2 पार्ट्स इसके। इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, 3x + 1 और cos x - 1। अब इनको हम राउंड ब्रैकेट में लिख लेंगे, 3x + 1 और माइनस का साइन डालेंगे क्योंकि हम इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो x - y। अब हम इनके राउंड ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे, साइन चेंज करेंगे इसके लिए, तो ये 3x + 1 - x और ये -+y। इस तरह हमारी राउंड ब्रैकेट जो है वो ख़त्म होगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जो वेरिएबल सेम है उनको एक साथ ले लेते हैं, 3x और -x, उसके बाद +y का कोई भी नहीं, इसको ऐसे लिख लेंगे और +1 को भी ऐसे। अब ये देखिए +, -, 3 में से 1 माइनस किया तो 2x और +y और +1, इसको हम एज इट वैसे लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट के 5x - 3y - 2z, 7x + y - 3। अब इनको राउंड ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं पहले कि 5x - 3y - 2z, फिर ऐसे राउंड ब्रैकेट में और कॉमा की जगह पे माइनस, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए माइनस का साइन आएगा। और जैसा दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे 7x + 5 - 3, इसको भी हम राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हम इन राउंड ब्रैकेट्स को जो है वो ख़त्म कर देंगे, ये जो माइनस का साइन है ये अंदर जो है इसको चेंज करेंगे साइन को, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 5x - 3y - 2z, ये -7x - -y - -3, साइन चेंज कर दिए। इस तरह हमारे जो है वो राउंड ब्रैकेट जो है वो ख़त्म होगी। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, कि जो सेम वेरिएबल है उनको एक साथ लिखना है, 5x और -7x, अब -3y के साथ क्या है -y और -2z इसके साथ कोई नहीं, इसको ऐसे लिख लेंगे और +3 का ऐसे वैसे। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, +, -,
सेवन बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करिए, इसलिए साइन जो है वो बड़ी वैल्यू के आएगा माइनस का। तो सेवन में से फाइव माइनस करिए टू एक्स माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, यानी कि थ्री में से थ्री और वन को माइनस कर देंगे हम ऐड, थ्री और वन हो गया फोर वाई, माइनस टू जी वैसे आ गया एज इट वैसे, और प्लस थ्री भी। ठीक है, इस तरह हमारा सेकंड पार्ट का क्या आंसर आया, माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई माइनस टू जी प्लस थ्री। ठीक है, ये इसका आंसर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर फोर जो है कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव के राइट द कोफिशिएंट वेरिएबल्स एंड कॉस्टेंट इन ईच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये आपको एक्सप्रेशन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए, इसमें से हमने कोफिशिएंट वेरिएबल और कॉन्स्टेंट जो है वो हमने लिखने। तो पिछले एक्सरसाइजों में भी आपको बताया था कोफिशिएंट वो होता है जो मल्टीप्लाई जो वेरिएबल के साथ लिखा होता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ठीक है, इसको कोफिशिएंट कहते हैं। और जो अल्फाबेट लेटर्स होती हैं इनको वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट जो साथ लिखे होते हैं थ्री फोर फोर्टीन फिफ्टीन जो भी, इनके काउंटिंग के फॉर्म में इनको कॉन्स्टेंट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, इसके आपने इस तरह आप लिखने, ये आपने इस तरह एक तरह का टेबल बनाना है, उसमें इधर नंबरिंग करनी है, इधर कोफिशिएंट वेरिएबल कॉन्स्टेंट लिखने। अब वन पार्ट जो है ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी, इसमें हमारे पास कोफिशिएंट कौन से ए और बी, और वेरिएबल हमारे पास हैं पी और क्यू, और कॉन्स्टेंट क्या है सी। अब सेकंड पार्ट है 2.5x प्लस वन ओवर थ्री वाई प्लस फोर्टीन, तो इसमें कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 2.5 और कॉमा वन ओवर थ्री, और वेरिएबल क्या है एक्स और वाई, और कॉन्स्टेंट हमारे पास है 14। ठीक है, अब थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास 13p प्लस टू के ऊपर प्लस फाइव, तो इसमें 13 और 2 जो है ये कोफिशिएंट है, और p और q जो है वो वेरिएबल है। इनको किस तरह लिखना है 13.2 और पी कॉमा क्यू, और कॉन्स्टेंट क्या है फाइव। ठीक है, ओके, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर सिक्स है सॉल्व, या वो पार्ट दिए हुए टू, इनको आपने जो है वो सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को भी जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसका पार्ट नंबर वन है, ये राउंड ब्रैकेट में लिखी हुई है तीनों, ये 13p प्लस टू क्यू राउंड ब्रैकेट क्लोज और प्लस राउंड ब्रैकेट 12p माइनस क्यू राउंड ब्रैकेट क्लोज माइनस, ये भी राउंड ब्रैकेट में 8p प्लस थ्री क्यू। अब हम ये राउंड ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए इनके जो है वो साइन चेंज करेंगे, तो इनको किस तरह हमने लिखना है, ये एज इट वैसे लिखे लेंगे 13p प्लस टू क्यू, ये प्लस 12p प्लस माइनस माइनस क्यू, अब ये माइनस 8p और माइनस प्लस माइनस 3k। ठीक है, इस तरह हमारी राउंड ब्रैकेट जो है वो ख़त्म होगी। अब हमने क्या करना है, जो वेरिएबल सेम है उनके एक साथ लिख लेना है, 13p इसके साथ है 12p प्लस 12p और माइनस 8p, ये हमने तीनों लिख लेना है। इसके बाद 2k और माइनस क्यू, ठीक है, और माइनस 3k, इन तीनों हमने लिखने। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, तो हमें 13p सबसे पहले हम इसको एज इट वैसे लिख लेंगे, पहले इनको सॉल्व करते हैं, प्लस 12p और माइनस 8p, ये प्लस माइनस माइनस है, 12 में से 8 माइनस किए तो हमारे पास आया 4p। हम इसको लिखेंगे 13p प्लस 4p, और अब क्या हुआ हम सॉल्व करेंगे तो प्लस 2 क्यों हम एज इट वैसे लिख लेंगे, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, और 3 कितने होंगे 4k। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, 13 और 4 को ऐड करें तो 17p माइनस प्लस माइनस माइनस, साइन जो है बड़ी वैल्यू का आएगा, क्योंकि बड़ी से में से छोटी माइनस हो रही है, तो 4 में से 2 माइनस किया तो 2k। इस तरह हमारे पास आंसर क्या है, 17p माइनस 2k। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स अब का पार्ट वन जो है ये सॉल्व हो गया। हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या है,
राउंड ब्रैकेट 2xy प्लस 3yz प्लस 4zx राउंड ब्रैकेट क्लोज माइनस 6xy माइनस 2yz माइनस 5 राउंड ब्रैकेट क्लोज प्लस राउंड ब्रैकेट 8xy प्लस 2yz माइनस 35 राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब हम इन तीनों राउंड ब्रैकेट्स को हमने ख़त्म करना है, तो हम इनके साइन जो है वो चेंज करेंगे, तो इसको एज इट वैसे लिख लेंगे क्योंकि जिस जो सॉल्व बना हो सके उनको ऐसे लिख लेते हैं। 2xy प्लस 3yz प्लस 4zx अब माइनस 6xy माइनस माइनस प्लस 2yz और माइनस माइनस प्लस 5 अब प्लस 8xy जो प्लस है उनके साइन चेंज नहीं होते, उनके एज इट वैसे लिख लेते थे हम। प्लस 8xy प्लस 2yz और माइनस जो है वो 35। ठीक है, अब हमारी राउंड ब्रैकेट इस तरह हमारी जो है वो ख़त्म होगी। अब हम इन जो वेरिएबल जो सेम उनके एक साथ लिख लेंगे। अब 2xy अब इसमें माइनस xy और प्लस 8xy। ठीक है, इन तीनों को लिख लेंगे। इस बार 3yz लिखेंगे। 3yz क्या देखें कौन कौन सी, इसमें प्लस 2yz और प्लस 2yz। ठीक है, इन तीनों को लिख लेंगे। ठीक है, अब 4zx को लिख लेंगे। 4zx इसके अगर सेम वेरिएबल नहीं है इसलिए हम इसको एज इट वैसे लिख लेंगे, और प्लस 5 और माइनस 35 इनको हम लिख लेंगे एक साथ। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करते हैं, तो 2xy एज इट वैसे लिख लेंगे क्योंकि सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू के आएगा, प्लस का एयर में से 6 माइनस के 2xy। अब वाई वाले को सॉल्व करना है, तो ये तीनों ऐड के फॉर्म में हैं, तो इन तीनों का हम ऐड कर देंगे। 3, 2 और 2 इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7yz। ठीक है, अब प्लस 4zx माइनस इसको एज इट वैसे लिख लेंगे 4zx को। अब प्लस माइनस माइनस यानी कि 35 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30, और साइन जो है हम बड़ी वैल्यू को लगाएंगे माइनस का। ठीक है, माइनस 30। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अब 2xy और प्लस 2xy ये 4xy हो गया। अब प्लस yz प्लस 4z नहीं, इसके साथ नहीं है, ये 4xy और ये प्लस 7yz ये ऐसे लिख लेंगे ऐसे, तो ये प्लस 4zx और माइनस 30। ठीक है, इस तरह हमारा सेकंड पार्ट का आंसर क्या है, 4xy प्लस 7yz प्लस 4zx माइनस 30। जो हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इफ लेंथ ऑफ ईच साइड इज 3x माइनस वाई प्लस 2z। इसमें उन्होंने क्या है कि एक स्क्वायर फील्ड के फील्ड है स्क्वायर शेप का, उसका पैरामीटर फाइंड करें और इसकी लेंथ जो है वो ईच साइड की क्या है, यानी कि चारों तरफ की लेंथ जो है वो 3x माइनस वाई प्लस 2z ये है, तो इसके साथ आपने पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड आपने फाइंड करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये मैंने स्क्वायर बनाया, इसमें चारों तरफ की लेंथ जो है वो सेम है, 3x माइनस वाई प्लस 2z, अगर ऊपर है तो नीचे भी यही आएगी, अगर साइड पे तो साइड पे भी, दोनों साइड पर इसकी जो है यही वाली आएगी। ठीक है, लेंथ यानी कि सेम है लेंथ चारों तरफ की। हमें आपको पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला बता देती हूँ कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड कर लो तो इसका फार्मूला है 4l। ठीक है, तो इसकी लेंथ दी हुई हमें, लेंथ हुई साइड 3x माइनस वाई प्लस 2z, तो अब हमने फार्मूला लगाना है पी इक्वल टू यानी कि पैरामीटर 4l और पी इक्वल टू 4l लेंथ हमारी क्या है 3x माइनस वाई प्लस 2z, इसको हम ऐसे राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे। तो अब इसका मतलब क्या है कि हमने इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे पी इक्वल टू 4 3 12x और 4 1 4 माइनस 4y और प्लस 4 2 8z। इस तरह हमारे पास जो है वो स्क्वायर फील्ड का पैरामीटर क्या आ गया, उसका क्या आंसर आया 12x माइनस 4y प्लस 8z। ठीक है, ये स्क्वायर फील्ड का पैरामीटर है। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के
इसमें सिंपलीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये आपको एक्सप्रेशन दिए इनको आपने सिंपलीफाई करना है, ठीक है। तो इसमें पार्ट वन टू और थ्री पार्ट दिए, इनको हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर एट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें राउंड ब्रैकेट पी प्लस क्यू, राउंड ब्रैकेट क्लोज माइनस वी राउंड ब्रैकेट टू और आर माइनस थ्री एस राउंड ब्रैकेट क्लोज प्लस पी प्लस फाइव एस राउंड ब्रैकेट जो है वो क्लोज। अब हमने क्या करना है, राउंड ब्रैकेट को हमने ख़त्म करना है, तो हम इनके साइन चेंज करेंगे अंदर। तो ये पी प्लस क्यू एज इट वैसे लिख लेंगे। अब माइनस टू आर माइनस माइनस प्लस थ्री एस और प्लस पी और प्लस फाइव एस, ठीक है। इस तरह हमारी राउंड ब्रैकेट जो है वो ख़त्म हो गया। अब हम जो सेम वेरिएबल इनको एक साथ लिख लेंगे, पी प्लस इनको एक साथ लिख लेंगे, क्यू के साथ मेरा कोई नहीं, तो ये प्लस क्यू एज इट वैसे लिख लेंगे। अब माइनस टू आर, आर का भी कोई नहीं है तो सेम वेरिएबल माइनस टू आर, इसको भी एज इट वैसे लिख लेंगे। प्लस थ्री एस इसके साथ है, प्लस फाइव एस, ठीक है, इनको एक साथ लिख लेंगे। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, पी और पी कितने रहते हैं, इनको ऐड करें टू पी प्लस क्यू माइनस टू आर, ये एज इट वैसे लिख लेंगे। और प्लस ये ठीक है एस वाले, इनको फाइव और थ्री को ऐड करें तो ये आ गया प्लस एट एस। इस तरह हमारा आंसर जो है कि आया फर्स्ट पार्ट का टू पी प्लस क्यू माइनस टू आर प्लस एट एस। ये बुक के पीछे इसका आंसर जो है वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इनके फर्स्ट पार्ट का भी और सेकंड पार्ट का भी, बस थर्ड पार्ट का जो है वो ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है वो ये वाला है, ठीक है, टू पी प्लस क्यू माइनस टू आर प्लस एट एस। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के राउंड ब्रैकेट एक्स प्लस वाई राउंड ब्रैकेट क्लोज माइनस राउंड ब्रैकेट फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस फोर राउंड ब्रैकेट क्लोज। इसमें जो जो बार, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे, लेकिन प्लस की वजह से इसका साइन चेंज नहीं होगा। अगर माइनस होता तो फिर इसका साइन चेंज होना था, ठीक है। तो राउंड ब्रैकेट में हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस फोर राउंड ब्रैकेट क्लोज। इस तरह हमारी बार जो है ये सॉल्व हो गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने राउंड ब्रैकेट जो है इसको हमने ख़त्म करना है। तो इसके लिए हम ये साइन जो है इसको चेंज करेंगे, तो एक्स प्लस वाई लिखेंगे माइनस फाइव एक्स माइनस प्लस माइनस थ्री एक्स और माइनस माइनस प्लस फोर, ठीक है। अब हम जो सेम वेरिएबल इनको साथ लिखेंगे, एक साथ एक्स के साथ के हैं माइनस फाइव एक्स और माइनस थ्री एक्स, ठीक है, इनको एक साथ लिख लेंगे। और वाई के साथ कोई भी नहीं है, वाई इसको एज इट वैसे लिख लेंगे प्लस वाई को, और फोर को भी ऐसे प्लस फोर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स को एज इट वैसे लिख लेंगे एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, फाइव और थ्री एट एक्स और प्लस वाई और प्लस फोर, इसको एज इट वैसे लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, एट में से वन माइनस करें तो हो गया बाकी एक जगह सेवन, माइनस सेवन एक्स प्लस वाई प्लस फोर। अब ये हमारा सेकंड पार्ट का जो है वो आंसर है। इसका भी आंसर बुक के पीछे जो है वो रॉन्ग आंसर लिखा हुआ, सही आंसर हमारा ये है, माइनस सेवन एक्स प्लस वाई प्लस फोर, ठीक है। अब हमारा थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर एट का। थर्ड पार्ट क्या है, सिक्स एक्स माइनस स्क्वेयर ब्रैकेट थ्री एक्स प्लस अब कर्ली ब्रैकेट टू एक्स माइनस फोर राउंड ब्रैकेट एक्स माइनस टू राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ये इसके ऊपर बार है, और ये प्लस वाई कर्ली ब्रैकेट और स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज। इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे सिक्स एक्स माइनस स्क्वेयर ब्रैकेट थ्री एक्स प्लस कर्ली ब्रैकेट टू एक्स। अब ये देखिए माइनस, अब इसका मतलब है कि इस बार को हमें सॉल्व करना है, तो साथ हम राउंड ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे, इसका मतलब हम इनको मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो ये आ गया माइनस फोर एक्स और माइनस माइनस प्लस फोर टू ज़र एट। इससे हमारी बार भी सॉल्व हो गई है और राउंड ब्रैकेट भी, ठीक है, और प्लस वाई जी वाला लिख लेंगे तो कर ली, और स्क्वायर ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा सिक्स एक्स माइनस स्क्वेयर ब्रैकेट थ्री एक्स प्लस, अब हम ये कर्ली ब्रैकेट इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इनके क्या करना है, हमने इसको जो है वो ख़त्म करना है कर्ली ब्रैकेट को, तो इसके हम साइन चेंज करेंगे। तो साइन का ये कि ये हम पे प्लस लिखा है, इसलिए इनके साइन जो है वो यही रहेंगे। तो ये देखिए प्लस टू एक्स माइनस फोर एक्स प्लस एट प्लस वाई, इस तरह हमारी कर्ली ब्रैकेट जो है वो ख़त्म होगी।
अब हम स्क्वेयर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे स्क्वेयर के ब्रैकेट को, इसको साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो इसके साइन अंदर चेंज होंगे। तो 6x-3x माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4x माइनस प्लस माइनस 8 और माइनस प्लस माइनस y, ठीक है। इस तरह हमारी जो है वो स्क्वेयर ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि हमने जो वेरिएबल सेम है उनके एक साथ लिख लेना। 6x माइनस 3x माइनस 2x प्लस 4x माइनस, हाँ ये लिखे। अब इनके हमने क्या करना है इसमें, तो ये देखिए ये पेयर बस एक्स एक्स ये सेम साथ ही वेरिएबल एक जैसे लिखे हुए, तो पहले इन टू को सॉल्व करते हैं फिर इन टू को, ठीक है। तो 6 में प्लस माइनस माइनस 6 में 3 माइनस करें तो 3x और ये माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा प्लस का, 4 में से 2 माइनस करें तो 2x और ये माइनस वाई और माइनस 8, इसको हम एज इट वैसे लिख लेंगे। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, 3 और 2 को ऐड करें तो 5x और माइनस वाई और माइनस 8, इसको एज इट वैसे लिख लेंगे। इस तरह हमारे थर्ड बार का जो आंसर है वो ये 5x माइनस वाई माइनस 8। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया और जो हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 5 एंड वाई इज इक्वल टू 7 देन एवेल्युएट 6x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 2x प्लस कर्ली ब्रैकेट 2x माइनस 4 और एक्स माइनस 2 क्लोज, यानी कि जो राउंड ब्रैकेट्स हैं उसमें एक्स माइनस 2 लिखा ऊपर बार है, यानी कि इसको पहले सॉल्व करना है और प्लस वाई कर ली और स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो इसमें हमने यूँ करना है कि सबसे पहले हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा फिर इसमें जो वैल्यूज पुट करेंगे इसको एविलेट कर देंगे, ठीक है। तो आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या, 6x माइनस स्क्वेयर ब्रैकेट 2x प्लस कर्ली ब्रैकेट 2x माइनस 4 राउंड ब्रैकेट x माइनस 2 राउंड ब्रैकेट क्लोज ऊपर बार और प्लस y और कर्ली और स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज। इसमें सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बाद जो है 4 लिखा हुआ है इसलिए हम इसको इसको मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, इससे करने से राउंड ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगा और साथ बार भी जो है सॉल्व हो जाएगी। इसको इस तरह करेंगे, 6x माइनस स्क्वेयर ब्रैकेट 2x प्लस कर्ली ब्रैकेट 2x माइनस, अब ये मल्टीप्लिकेशन कहते हैं 4x और माइनस प्लस 4 2 8, इससे राउंड ब्रैकेट भी हमारी जो है ख़त्म हो गई है और ये बार ये भी ख़त्म हो गई है, ठीक है। और प्लस वाई और कर्ली और स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है, 6x माइनस स्क्वेयर ब्रैकेट 2x प्लस, अब हमने कर्ली ब्रैकेट को ख़त्म करना है तो इसके साइन चेंज करेंगे, लेकिन ये चूंकि प्लस है इसलिए इनको एज इट हम वैसे ही लिख लेंगे, प्लस 2x माइनस 4x प्लस 8 प्लस वाई। इस तरह हमारी जो है ये कर्ली ब्रैकेट ख़त्म होगी। अब हम इसको क्लोज कर देंगे ये स्क्वेयर ब्रैकेट के साथ। अब हम जो है वो स्क्वेयर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसको हम किस तरह लिख करना है, 6x माइनस 6 साइन चेंज करेंगे, माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4x और माइनस प्लस माइनस 8 और माइनस प्लस माइनस y। इस तरह हमारी स्क्वेयर ब्रैकेट जो है ये भी सॉल्व हो गई है, ठीक है। अब हमें जो वेरिएबल सेम से हैं उनको लिख लेते हैं एक साथ है, तो ये तो एक्स एक्स वाले सेम साथ लिखी हुई है, ठीक है। तो अब इनको सॉल्व करेंगे 2 2 के पेयर के साथ, ठीक है। तो ये 6 और 2 में से 6 में से 2 माइनस करें तो 4x, ये माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी रकम का ही आएगा वैल्यू का, तो प्लस का आएगा तो 4 में से 2 माइनस करें तो 2x, ये माइनस वाई और माइनस है ये एज इट वैसे लिख लेंगे, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है तो 4x और प्लस 2x ये कितने होंगे, 6x और माइनस वाई और माइनस 8 ये है हमारे एज इट, इसको वैसे ही हमने लिखना है, ठीक है। इस तरह सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर क्या आया, अब हमारे पास जो आंसर है 6x माइनस वाई माइनस 8 सिंप्लीफाई करके इसके में हम वैल्यू पुट करेंगे
इसको एवेल्यूट करेंगे, यानी कि एस की क्या है 5 और वाई की क्या है 7 वैल्यू। अब हम 6x - y - 8 इसको जो लिखेंगे, अब 6 एक्स की क्या वैल्यू 5 इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस वाई की क्या है 7 और -8। आप इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 5 30 और -7 और -8 एज इट वैसे लिख लेंगे। आप 30 को एज इट वैसे लिख लेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस करेंगे। 7 रेट कितने होंगे 15। आप इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 30 में से 15 माइनस करें तो 15। आंसर हमारा आंसर जो है वो 15। इसका पीछे बुक में जो है आंसर जो है वो रॉन्ग है, ठीक है, इसका आंसर 15 ही आता है। और जो हमने इसको सिंप्लीफाई किया पहले, ये जो आंसर है इसके हमने एवेल्यूएट किया, और जो हमारा आंसर क्या है 15। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द मिसिंग नंबर्स इन द स्कैंस बिलो, नीचे जो मिसिंग नंबर्स दिए हैं स्कैंस में उनको आपने लिखना है, और आल्सो स्टेट द रूल, यानी कि रूल को भी आपने बयान करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है, ये है 1, 4, 9, 16, 25, ये मिसिंग नंबर हैं, और 64, 81। अब इसमें रूल जो यूज़ हुआ है वो है स्केयर द नंबर, नंबर का हमने स्केयर, ये जो नंबर हैं इनके हम नेक्स्ट टर्म को हासिल करने के लिए हम इनके स्केयर लेने हैं, तो स्केयर द नंबर टू गेट नेक्स्ट टर्म। तो ये किस तरह करना है, ये हमने देखा 1 को का स्केयर लेना है, तो 1 आएंगे। इस तरह हमने हमारी सेकंड टर्म में यानी कि 2 है, तो 2 का स्केयर लेंगे तो ये 4 आ गया। इस तरह थर्ड टर्म में हम 3 का स्केयर लेंगे 9। इस तरह फोर टर्म इस 4 का स्केयर लेंगे 16। 5 टर्म क्या है इसका स्केयर लेंगे, ये हो गया 25। अब हमने 6 टर्म लेनी तो 6 का स्केयर लेंगे, जा गया 36। और इसको हम इधर लिखेंगे भी 7 टर्म क्या है, 7 के का स्केयर लेंगे तो ये आ गया 49। इस तरह हमने इसमें रूल कौन सा यूज़ करना है नेक्स्ट टर्म के लिए, यानी हम इसका स्केयर लेंगे, यानी जितनी टर्म्स है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह 6, 7 इस तरह इनके हमने स्केयर लेने हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारी नेक्स्ट टर्म हमें जो है वो हासिल हो जाएगी हमें। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी कंप्लीट हो गया, इनकी नेक्स्ट टर्म 36 और 49 है, और इसमें नेक्स्ट टर्म के लिए हमें स्केयर लेना है, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के कंप्लीट होने के साथ स्टूडेंट्स हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 6 जो है कंप्लीट होगी। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।